हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनेटस नभानाथन। मेरा हिंदी थोड़ा बकवास है तो थोड़ा तो एडजस्ट कर दीजिए। ओके जो भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और वीडियो के नीचे देखो तो ऐसे ही कुछ आएगा, वहाँ पे सब्सक्राइब पे टच करो तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो डायबिटीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस, कॉमनली नॉन एज डायबिटीज, जो हम शुगर के नाम पे जानते हैं वही डायबिटीज मेलाइटस है, यही बता रहा है। इट इज ए मेटाबॉलिक डिजीज व्हिच कॉजेज ब्लड शुगर। ये मेटाबॉलिक डिजीज है जिसलिए हमारा ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है, मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो डायबिटीज का कोज क्या है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन बहुत कम हो जाने से ये होता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारा बॉडी में ग्लूकोज एब्जॉर्ब में हेल्प करता है, मतलब शुगर में शुगर को एब्जॉर्ब करता है। तो इंसुलिन हार्मोन कम हो जाने से ग्लूकोज कम एब्जॉर्ब होगा, इसलिए क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज और शुगर बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब जानेंगे सिम्टम्स, क्या क्या सिम्टम्स है। इंक्रीज हंगर, खाने की इच्छा बढ़ जाता है। इंक्रीज हंगर, खाने की इच्छा बढ़ जाता है। इंक्रीज थ्रस्ट, हमारे कुछ पीने के लिए इच्छा भी बढ़ जाता है। वेट लॉस, वेट घट जाता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपको बहुत ज़्यादा टाइम वॉशरूम में जाना पड़ता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है। ब्लारी विजन, आप ठीक से नहीं देख पाते हो, ब्लार हो जाता है आपका विजन। एक्सट्रीम फेटिक, कुछ काम करके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाते हो। ऐसी कई सारी के बहुत सारे सिम्टम्स देखता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है एसोसिएटेड विद द डायबिटीज? कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज होता है उसके उसके बाद भी बहुत सारे डिजीज हो सकता है, वो क्या क्या है जानेंगे। हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकता है। न्यूरोपैथी, न्यूरोलॉजी जो मतलब नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। हियरिंग लॉस, आप नहीं सुन सकते हो। विजन लॉस भी हो सकता है, आप नहीं देख सकते हो। डिप्रेशन में आ जाते हो, डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब हमको क्या खाने है, डायबिटीज हुआ है तो हमको क्या डाइट रूल फॉलो करना है, ये देखिए। हमको बहुत सारे फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, होल ग्रेन खाने हैं, पोल्ट्री और फिश खाने हैं, ओलिव ऑयल एंड नट्स एटसेट्रा खाने हैं। अभी मैं ये जो बताऊंगा ये अच्छी तरह से समझना। ये ब्लड ग्लूकोज का चार्ट है, हम जब टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर का, उसका ब्लड शुगर का लेवल देखिए नॉर्मल कितना है। फास्टिंग में आप कुछ नहीं खाया है तब टेस्ट करते हो तो फास्टिंग में 80 to 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया तो ये नॉर्मल है। आफ्टर ईटिंग कुछ खा के आपने टेस्ट किया तो 170 to 200, खाने के बाद आप टेस्ट करते हो तो नॉर्मल पेशेंट का कितना है 170 to 200, और 2-3 आवर्स आफ्टर ईटिंग और पोस्ट मील, मतलब खा लिया 2-3 घंटे बाद आपने टेस्ट किया तो आपका 120 से 140 आया तो आप नॉर्मल हो। अब चलिए इम्पेयर्ड ग्लूकोज, इम्पेयर्ड ग्लूकोज फास्टिंग में कितना है 100 to 125, आफ्टर ईटिंग 190 to 230, और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग 140 to 160। अब आप डायबिटीज पेशेंट हो, आपका डायबिटीज हुआ है या नहीं ये टेस्ट कर रहे हो तो आपका फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल कितना आएगा 126 126 आएगा तो ये सोच लेना आपको डायबिटीज हो चुका है। अभी आफ्टर ईटिंग आपने कुछ खा लिया है रिसेंटली, आपने जाके टेस्ट किया तो आपका कितना आएगा 220 to 300, तो आपका शुगर हो चुका है। और 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग आएगा तो 200 प्लस आएगा तो आपको डायबिटीज हो चुका है। थैंक यू एवरीवन, जो भी मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो उनका बताऊंगा मैं, सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे कंटेंट आएगा उसके बारे में। चलिए आपका जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं मुझको। सो बाय बाय, टाटा।